हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चा केला और आलू का सब्जी। ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 6 कच्चा केला लेंगे, उसे छीलने के बाद काट लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने किस साइज में काटा है केला। केले को काटने के बाद हम उसे पानी में भिगो के रखेंगे ताकि ये काला ना हो। इसके बाद हम लेंगे 3 पीस उबले हुए आलू, उसे भी हम काट लेंगे। हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज, मेथी, हल्दी, नमक, साथ ही हम कुछ खड़े मसाले लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया हुआ है दालचीनी, जावित्री के फूल, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, जीरा, शाही जीरा, धनिया। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और प्याज। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को नरम होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले और गैस के फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और हमें इसे तब तक भूनना है जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि प्याज और मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इनका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है। अब एक छोटा सा जार लेंगे, उसमें ये सारे मसाले और प्याज डालेंगे, साथ ही हम डालेंगे पानी और हरी मिर्च और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम उसी बर्तन में थोड़ा सा तेल लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो हम उसमें उबले हुए आलू डालेंगे और उसे 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं आलू फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ केला, इसे भी हम फुल फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि केला भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम उसी तेल में डालेंगे मेथी, मेथी का कलर चेंज हो जाने दें। इसके बाद हम जिन मसालों का पेस्ट बनाए थे उसे हम इसमें डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। तो कंटिन्यू स्पून की सहायता से इसे चलाते हुए पकाएं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा पानी ताकि मसाला अच्छे से बन के तैयार हो जाए। मसाले को पकाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हमें मसाले को तब तक पकाना है जब तक मसाले से तेल सेपरेट ना दिखे। ध्यान रहे कि मसाला बर्तन से पकड़े नहीं। यहाँ मैंने वापस थोड़ा सा पानी डाला है और कंटिन्यू इसे चलाते हुए मसाले को पका लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से बनके तैयार हो चुका है और तेल भी अच्छी तरह से सेपरेट दिखने लगा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तेल और मसाला पूरी तरह से अलग अलग दिख रहा है और मसाला अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ सब्जी यानी कि केला और आलू और साथ ही हम डालेंगे नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और गैस के फ्लेम तेज रख दें। और इसमें एक उबाल आने दें। तो देख सकते हैं आप, सब्जी में उबाल आ चुका है।
अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और 5 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे और हमारा ये सब्जी बनके तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये सब्जी बनके तैयार हो चुका है ना, बहुत ही जल्द तैयार होने वाली रेसिपी। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।